भूटान शरीफ वादी तिरह का एक छोटा सा गांव है और एक इंतहाई खूबसूरत गांव है। इस गांव से पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का ताल्लुक है। शाहिद अफरीदी के दादा हजरत मोहम्मद इलियास साहब को पीर ऑफ भूटान शरीफ भी कहा जाता है, जिनका मज़ार गांव में भी मौजूद है। ये गांव वादी तिरह मैदान ज़िला खैबर में मौजूद है या साबका खैबर एजेंसी में मौजूद है, जो कि पिशावर से तकरीबन 4 घंटों के फासले पर है। और ये गांव काफ़ी ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा है। और यहां तक का रोड ज़्यादातर कच्चा है और रोड का कुछ हिस्सा ब्लैक टॉप है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं वादी तिरह मैदान के इलाके बाग में। यहाँ से हमने मेरा सफ़र शुरू करने कहाँ की तरफ, वादी तिरह मैदान में सबसे जो प्यारी जगह है भूटान शरीफ। बता रहे थे कि शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो भी उनका इलाका है, वहाँ से उनका ताल्लुक है, उनके बाप दादा का ताल्लुक भी उधर ही है। कहते हैं कि उनका कोई कज़न वगैरह है या उनके बड़े भाई भी, उनका घर भी उधर है। तो अभी हमने अपना सफ़र शुरू करना है मैदान से, सॉरी बाग से भूटान शरीफ तक। टोटल हमारा रास्ता कितना होगा? तकरीबन 7 किलोमीटर है हमारा रास्ता। 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन रास्ता सारा ऑफ रोड है। 1 घंटे से लेकर 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं हमें। और अभी मौसम भी बड़ा अच्छा बन गया है, बारिश का भी खतरा है, ख़तरा भी है, लेकिन इससे मौसम और ख़ूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। जी, अभी हमने रास्ते में जाते हुए एक छोटा सा स्टॉप लिया है, क्योंकि इलाका इतना प्यारा था कि दिल ने कहा कि बस उतरना है, थोड़ा सा शूट करना है। तो यहाँ पे खेत थे, तो कबाइली इलाकों में, मैं पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता चुका हूँ कि कबाइली इलाकों में जहाँ पे घर होते हैं, औरतें काम काज कर रही होती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वीडियो शूट करना तस्वीरों के साथ बड़ा ख्याल किया जाता है। तो हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं जहाँ पर औरतें नहीं हैं, घर भी नहीं है। तो ये मलिक दिन खेल का इलाका है, और पीछे आप व्यू चेक कर सकते हैं, ये सारे प्यारे खेत नज़र आ रहे हैं और ये ग्रीनरी। और अभी मौसम भी और ज़्यादा होता जा रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन व्यू है यहाँ का। तो अभी हमने दोबारा अपने सफ़र शुरू करना है ऊपर भूटान शरीफ तक। रास्ते पे जाते हैं ना, ऐसे ऐसी जगह आती हैं कि मन के दिल करता है कि मैंने यहाँ भी जाके उतरने है, यहाँ पे भी मैंने वीडियो बनानी है। अब इस जगह को देखें, वाला रोड था, उस रोड से हम गुजर रहे थे, लेकिन ये पीछे खेत देख रहे हैं, इसमें से ये खाली जगह थी जिसमें घास उगी है, और ये वाइल्ड फ्लावर्स देख रहे हैं, इतने खूबसूरत हैं और इतने ज़्यादा हैं तादाद में कि यहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं, कोई हज़ारों की तादाद में फ्लावर्स हैं। सफ़ेद फूल हैं, बीच में से उनके पेटल वो जो है ना बिल्कुल येलो हैं, तो बड़े एक बेहतरीन किस्म का व्यू है। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि कितने प्यारे वाइल्ड फ्लावर्स हैं यहाँ पर। भूटान टॉप शाहिद अफरीदी का गांव होने के साथ साथ एक इंतहाई खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट भी है। ऐसे टूरिस्ट हजरात जिनके पास घूमने फिरने का टाइम कम हो, या सिर्फ कुछ घंटे हों या एक दिन हो, तो कुछ अगर कम टाइम में उन्होंने ज़्यादा खूबसूरती इंजॉय करनी हो, तो अक्सर टूरिस्ट हजरात भूटान टॉप का रुख करते हैं। अक्सर पिशावर से या दूसरे इलाकों से आने वाले टूरिस्ट हजरात अपना दिन भूटान टॉप तक पहुँचाते हैं और वहाँ पर गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। और दूसरे इसकी वजह ये है कि यहाँ से तकरीबन तिरावेली के हर गांव का, हर खूबसूरत जगह का नज़ारा आपको यहाँ से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मौसम हमेशा अच्छा रहता है, तकरीबन आजकल के दिनों में बारिश रोज़ाना होती है। तो भूटान पहुँच गए,
आधे रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई थी, अभी भी हल्की फुल्की बारिश है लेकिन थोड़ी थोड़ी हमें लग रही है, थोड़ी थोड़ी सी नहीं लग रही है। हमारे साथ हैं मलिक साहब, हमारे ड्राइवर, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बस कभी कभी गाड़ी फंसा लेते हैं। तो यहाँ पे है पीछे जो बिल्कुल एंड पे नज़र आ रहा है सबसे हाइट वाला पहाड़, वो है भूटान का टॉप, और इस जगह पे आके ये भूटान व्यू पॉइंट है। इस साइड पे आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। मलिक साहब ये कौन सा इलाका है? ये इलाका है कंबरखेल से उस साइड पे कोलाखेल मलिकद्दीन खेल, कोलाखेल और मलिकद्दीन खेल उस साइड पे वो इलाका है। और थोड़ा सा अगर आप इधर देखेंगे इस साइड पे, इस साइड पे जो है आदम खेल और मलिकद्दीन खेल। अच्छा, इस साइड पे आदम खेल और मलिकद्दीन खेल है और इस साइड पे एक और इलाका है। इस साइड पे ये सारे हमारे जो है ट्राइबल कंबर खेल है, फिर इस पहाड़ियों के उस तरफ जो है औरगज़े और कुरम से हम टच होते हैं। अच्छा, इस साइड से है ना औरगज़े का और कुरम एजेंसी का इलाका जो है ना, यहाँ से अब तो एजेंसी नहीं है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हो गए, इस पहाड़ के उस तरफ वो इलाके शुरू हो जाते हैं। मतलब ये एक व्यू पॉइंट है, और आगे देखें कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, यहाँ से कितने प्यारे खेत नज़र आ रहे हैं, और वो वाले खेत और उसमें ये मिट्टी के कच्चे घर के बाइलों के और ये चिलगोज़ों के जंगलात, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये। भूटान शरीफ का व्यू पॉइंट, यहाँ से छोटे मोटे इलाके नज़र आते हैं आसपास के, और अक्सर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लोकल टूरिस्ट होते हैं या बाहर से आए हुए टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपना कुकिंग का सामान वगैरह करते हैं, उस साइड पे जाके प्लेन जगह वहाँ पे कुकिंग वगैरह करते हैं या फिर एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ करनी है यहाँ पे करते हैं। असल जो है ना भूटान वो वाली पहाड़ी है, अभी यहाँ से हमने ऊपर टॉप तक जाना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट की ट्रैकिंग हाइकिंग है, वहाँ से मिलके आपको दिखाते हैं कि वहाँ से कितना प्यारा व्यू नज़र आता है। अगर यहाँ से इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है तो और हाइट से कितना प्यारा व्यू नज़र आएगा। तो भूटान व्यू पॉइंट से यहाँ तक हमने ट्रैक शुरू कर लिया है, 3-4 मिनट ही चले, काफ़ी स्टीपी है। और वैसे यहाँ के पहाड़ जो है ना, अगर ग्रीन ना हो ना तो यहाँ पे मिट्टी का रंग जो है ना नॉर्मली हर पहाड़ का सुर्ख है, रेड कलर का होता है, तो ये भी काफ़ी एक प्यारा किस्म का एक वो होता है, इसका व्यू होता है। और अभी हमने 10% भी नहीं किया, वहाँ टॉप तक चढ़ने, और अभी से हमारी सांस फूलने लगी है, लेकिन हर हाल से टॉप से दिखाना है हमने आपको तिरावेली की खूबसूरती। वादी तिरा एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, तो कुछ बातें जो मैं आने वाले से यहाँ को बताना चाहूँगा, क्या आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाए, जिस भी खूबसूरत मकाम पर जाएँ, वहाँ की सफाई हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए अपना सामान वहाँ ना छोड़ें, गंदगी ना बनाएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वादी तिरा में हर खूबसूरत मकाम का रास्ता घर, गांव और खेतों से होकर जाता है, और कबाइलों की औरतें हमेशा खेतों में होती हैं। तो शूट करने से परहेज़ करें, और या जहाँ पर आपको शूट करने का दिल कर रहा हो वहाँ पर आसपास के लोगों से परमिशन लें, फिर बेशक आप शूट करें, क्योंकि वादी तिरा में अफरीदी कबाइल आबाद हैं जो कि बहुत मेहमान नवाज, गैरतमंद और पुरअमन लोग हैं, और ये लोग हमेशा मेहमानों को खुशामदीद कहने को तैयार हैं। इस ठंड की हालत में भी पसीने निकलने लग जाते हैं आपके जब ट्रैकिंग करते हैं या हाइकिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी वैसे, 5 से 10 मिनट या 15-20 मिनट की थी, लेकिन पसीने निकल ही गए हमारे। भूटान टॉप तक आ गए जो तिरा का सबसे फेमस टूरिस्ट पॉइंट है, और इस जगह को वैसे शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनका गांव भी कहा जाता है, उनका ताल्लुक भी इसी जगह से है, और नीचे गांव में उनके रिश्तेदारों के घर भी हैं, शाहिद अफरीदी का अपना घर भी है। लेकिन आप खूबसूरती चेक करें यार, वहाँ से ये टॉप से खेत नज़र आ रहे हैं, और फिर इस साइड पर एक डिफरेंट व्यू है आपको, और इस साइड पर ये गाँव के खेत, और इसमें से यहाँ से जो
कच्चे घर है लोगों को, उनका जो व्यू नजर आ रहा है बहुत प्यारा नजर आता है। तो भूटान शरीफ आप ज़रूर आइएगा जब भी आपको टाइम मिले, वादी दिरा का विज़िट करें, भूटान शरीफ आएँ, यहाँ की खूबसूरती देखें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई और जगह नहीं देखी, क्योंकि इस टॉप से देख के ना ये मेडल्स जो हैं, साथ में ये गांव का जो प्यारा व्यू है, ये कच्चे घर है, सारे पैसे यहाँ आपके पूरे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अगर पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, या उन लोगों के साथ शेयर करें जो तिरावेली आना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ तिरावेली के।